वीजा का प्राइम मोटिव सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि आपका स्टूडेंट वीजा ले लिया, वर्क वीजा एनेबल कर दिया. नो, द यस पार्ट इज टू दिस फार ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, ये हमारा मेन एम है, ये हमारी मेन सेटिस्फेक्शन है. बिकॉज टेम्पररी वीजा तो इट इज ईजी टू अचीव, बट टू गेट टू दिस फार इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल वीजा, आपको एनेबल करना, इस पाथवे तक लाना, वर्क वीजा के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के बाद ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप. सो यूनिवर्सल वीजा लेकर आया है, आईएलएस के साथ साथ पीटी की भी क्लासेस. सो आप सोच कर रहे हैं, आइए विजिट कीजिए. ऑल्सो वी आर रेफरल पार्टनर टू आईडीपी, और बस बाकी तो आपको जब आप आएंगे तब आपको पता लगेगा. शॉप नंबर 8 हमारा ऑफिस है, एंड सैनिक कॉलोनी के आप अंदर एंटर करेंगे वहाँ पर हमारा ऑफिस है, तो प्लीज विजिट. थैंक यू. तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्सल वीजा की, और यहां से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश कंट्री में गए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में गया है, कोई कनाडा में गया है, कोई यूके में गया है, कोई न्यूजीलैंड में गया है, तो कोई यूएसए में गया है. और अब आईडीपी आइल्स और पियर्सन पीटी रेफरल टाई अप हो चुका है यूनिवर्सल वीजा के साथ, और एक नई शुरुआत की है ताकि और ज्यादा बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लिश कंट्री में भेजा जा सके. इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. आप अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपको आना है करनाल में, मॉल टाउन में, यूनिवर्सल वीजा में, और यहां पर आपको पीटी साथ ही साथ आइल्स के बारे में बताया जाएगा. आपके मन में जो भी सवाल है उसको अच्छे से आप तक बताया जाएगा, और साथ ही साथ कि क्या जरिया है ऑस्ट्रेलिया जाने का और कितना फायदा है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का, उसके बारे में भी आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे. जस्टिफाई क्या करना है, रेलिवेंस बना के और वेरिफिएबल होना चाहिए. वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जनरल कर होगा उसमें काम. एक बात. दूसरी बात, अब मैरिड कपल को, अभी हम सिंगल की बात करते हैं, मैरिड को मतलब ही लाना, अभी हम सिंगल को चलते हैं. 20 पास होते हैं, 19 मत लेना सर, 20 पास 19 को कोशिश करो टूरिस्ट में निकालने. 20 के अंदर अगर चार मेजर नहीं, और हमेशा आर्ट्स होती है, आर्ट्स में चार मेजर नहीं होंगे. नॉन मेडिकल ले लो, मेडिकल ले लो, उसमें सबको आपको चार मेजर मिल जाएंगे. कॉमर्स में भी मिल जाएंगे, पर इसमें नहीं मिलेंगे, आर्ट्स में. तीन ले लो कोई बात नहीं, नॉन मेडिकल से तो वो तो हो गए, चार हो गए तो मेजर. नॉन मेडिकल तो वैसे भी डिमांड पे, नॉन मेडिकल की बैकग्राउंड है, कॉमर्स नॉन मेडिकल की बैकग्राउंड सब जगह फिट हो जाती है, सब जगह. यूनिवर्सल वीजा का इमिग्रेशन फील्ड के अंदर अपना ही एक नाम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूके, यहां से गए हैं, उनका वीजा आया है, और अब एक नई शुरुआत यूनिवर्सल वीजा करने जा रहा है. हमारे साथ डायरेक्टर असीम सैनी जी इस समय मौजूद हैं. सर, क्या नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है? थैंक यू करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का, आपने हमें इतना पब्लिक अवेयरनेस के लिए मौका दिया. यूनिवर्सल वीज़ा टाइम टू टाइम बाइट देता ही रहता है, और कुछ ना कुछ, हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं तो कुछ ना कुछ तो जो भी ओवर द पीरियड चेंजेस होते हैं उस हिसाब से हम अपने क्लाइंट्स को कम्फर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ असिस्टेंस साथ में प्रोवाइड करते ही रहते हैं. तो इस बार हमारा फोकस था पीटी और आईलेट्स के सेंटर को खोलने का. उसके लिए सबसे पहली चीज़ थी कि हम लोग पहले खुद फिट हों कि क्या हमने खुद पीटी आईलेट्स कर रखा है, हमारे पास वेल अपना ट्रेनर्स होने चाहिए. साथ में सबसे ऊपर की बात यह थी कि जो आईडीपी आइलेट्स जो जिसने अब टेक ओवर कर लिया है कैम्ब्रिज को भी, आईडीपी आइलेट्स के साथ हम रेफरल पार्टनर भी हो गए हैं यूनिवर्सल वीजा, जो आप देख सकते हैं यहाँ, और साथ में पियर्सन टेस्ट के साथ भी हमने अपना रेफरल पार्टनरशिप डेवलप करी है. हमने बहुत क्लाइंट्स भी क्लाइंटेज दी उन्हें, साथ में हम उन्हें भी पता है कि हम लाइसेंस्ड हैं, ऑथराइज्ड हैं, हमने इतने टाइम से असिस्ट किया है, तो दे आर ऑल्सो असिस्टिंग अस इन ऑर्डर टू रीच टू सो मैनी क्लाइंट्स, एंड बुक्स वगैरह जो प्रोवाइड होती हैं. साथ में हमने यहाँ जो टेक्निकल जो पार्ट है वो पीटी का है, उसमें वर्क स्टेशन के लिए हमने काफ़ी जो अब आपको भी पता है पीटी का जो सिलेबस है, जो टेस्ट ट्यूटोरियल्स है वो चेंज हो चुके हैं. पहले 3 घंटे का टेस्ट होता था, अब 2 घंटे का हो गया है, तो हमने उसके हाई रीड जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड सारा अपना वर्क स्टेशन में हमने फीड कर लिया है उनका लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स का पैकेज. अब हम क्या चाहते हैं, हम अपने एक एक क्लाइंट को हमने बेसिक से
फिट करना है, क्योंकि आपको भी पता है ओवर द पीरियड स्क्रूटनी बढ़ रही है, जितनी भी इंग्लिश कंट्रीज होती हैं वो चाहती हैं कि जेन्युइन क्लाइंट बाहर जाए। अब इस जेन्युइन पार्ट का क्या मतलब होता है कि इंटरव्यू के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं, जो एक मॉड्यूल स्पीकिंग का आ जाता है, फिर कुछ हम प्रिपेयर करते हैं लिसनिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है आईलेट्स में भी और पीटी में भी। अब क्या कंपैरिजन है आईलेट्स और पीटी का, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पीटी जो है वो मेनली ऑस्ट्रेलिया के लिए बना, मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्योंकि पीटी में क्या आपको रिजल्ट भी जल्दी सेम डे भी आ जाता है, नेक्स्ट डे भी आ जाता है, और आप बुकिंग भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ओवर द ऑनलाइन हो जाती है। आईलेट्स के लिए आपको बुकिंग में भी टाइम लगता है और उसके रिजल्ट ओवर में भी टाइम लगता है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं दूसरों से अटेन कर रहा हूँ, दूसरों से नॉलेज मिल रही है, लोग मुझे आके बता रहे हैं कि आईलेट्स में जो स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पीटी में थोड़ा आसान है। अब आईलेट्स को स्कोर को आसान करने के लिए हमने वेल ट्रेन अपने ट्रेनर्स रखे हैं, साथ में हमने लेटेस्ट मटेरियल उसका यूज़ कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है क्लाइंट को, रीडिंग और राइटिंग में, रीडिंग में कंसंट्रेशन नहीं होती, राइटिंग में उनकी ग्रामर और वोकैबुलरी। आप कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करोगे जब तक आपके पास बोम्बास्टिक वर्ड्स नहीं है, एडियम्स, प्रोवर्ब्स, हाउ टू मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल, तो और इम्प्रेसिव प्रेजेंटेबल। अब उसके लिए हमने एक अप्रोच किया अपना आईलेट्स का, एक एकांत बिल्कुल ऐसा जैसे कि आपको वर्चुअल क्लास मिल रही है, कि आप बैठ रहे हो कि हाँ भाई एक्चुअल में ऐसे ही बैठते हैं, वो इन्वायरमेंट दिया गया आपको, और वही सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे मटेरियल जो आपको असिस्ट करे आपके कॉम्पिटेटिव लेवल को अचीव करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खुल चुके हैं, अब बच्चे जा भी रहे हैं, कितना फायदा है ऑस्ट्रेलिया जाने में, और आप क्या भूमिका निभाने वाले हैं, यूनिवर्सल वीजा क्या भूमिका निभाने वाला है ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए बच्चों के साथ? बॉर्डर्स 15 दिसंबर से खुल गए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्पेशलाइज हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस प्रैक्टिशनर भी हूँ, मैं पहले ऑस्ट्रेलिया का ही करता था, ओवर दी पीरियड मुझे कनाडा और यूके का भी मैंने किया। पर आप आपको भी पता है इंग्लिश कंट्रीज का बड़ा अच्छा एक रोल होता है, कि पहले कनाडा खुला था तो यूके खुला था, तो अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की। अब ऑस्ट्रेलिया के जब से बॉर्डर खुले, उन्होंने साथ में प्राइम मिनिस्टर ने और जो इमिग्रेशन के हमारे मिनिस्टर्स हैं उन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी, उन्होंने बहुत कुछ असिस्ट किया कि चलो लेट्स बूम दी एजुकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था। तो उन्होंने पहले दिन से जो भी ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से स्टूडेंट जा रहा है वो फुल टाइम काम कर सकता है, नंबर टू ओवर स्टूडेंट वीज़ा पे भी, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, चाहे वो बैचलर पे जाए, डिप्लोमा हो, चाहे डिग्री पे जाए। लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड चीज आ जाती है कि अपना जहाँ से जो बच्चा जा रहा है, एक टाइम फ्रेम दिया गया था, अभी भी चल रहा है, कि अगर उसका वीज़ा आ जाता है और वहाँ जाके वो रीच कर जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ से वो अपनी जो हाई एम्बेसी की फीस है वो रिफंड हो जाती है। ये भी एडवांटेज दिया गया एजुकेशन इंडस्ट्री को बूम करने के लिए। थर्ड एडवांटेज ये दिया गया है कि मैं आज भी ये बात कहता हूँ, चाहे आप 19 पास आउट हो, 20 पास आउट हो, 21 पास आउट हो, एज लॉन्ग एज यू आर जेन्युइन, योर इंटेंशन इज जेन्युइन, एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल दी सब्सटेंशियल एविडेंसेस विच आर ग्राउंडेड जेन्युइन, ठीक है, हम आपको असिस्ट करते हैं, हमारा काम है आपको प्रेजेंट करने का, हमें पता है लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है, लेजिट तरीका क्या है, हम आपको मदद करेंगे, दिस इज आवर जॉब। तो हम चाहते हैं कि आप हमें कांटेक्ट करें। आजकल ऑस्ट्रेलिया में र्यूमर्स भी चल रहे हैं कि भाई हरियाणा बोर्ड बंद हो गया है, यूनिवर्सिटीज अपना मीटिंग कर रही हैं, हो सकता है भाई कहीं जगह कहीं गलतियां आती हैं, कहीं प्रेजेंटेशन में कोई फॉल्ट होता है, या कहीं जगह अपना दिक्कत आती है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट नहीं ऐसे चूज करे जो सही थे, जेन्युइन नहीं थे। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है इन्हीं चीज़ों की वजह से दूसरे जो आप एक जेन्युइन जो स्टूडेंट आ रहा है वो भी बेचारा अफेक्ट हो जाता है। इवेंट वीज़ा की भी शुरुआत करने जा रहे हैं आप, क्या है इवेंट वीज़ा और किस तरीके से वो इवेंट वीज़ा मिल सकता है? इवेंट वीज़ा देखो अब क्या किया हमने, जो मैं वैसे भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, काउंटी भी खेल रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में, अपना क्लब्स भी खेलता रहा हूँ, तो मेरा वहाँ मैंने रजिस्टर्ड किया अपना ऑजी 11 के नाम से, यू कैन हॉप डाउन टू दी वेबसाइट ozzy11.com। फिर मैंने एक वेबसाइट और रजिस्टर्ड यहाँ भी बिजनेस किया है universal11.in। अब ये दोनों क्लब हैं, उनकी मैं ऑथेंटिकेशन भी ले रहा हूँ फर्दर, और साथ में ये एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं कि उसमें क्या होगा कि मार्च के बाद अप्रैल में यहां भी हम अपना ऑर्गेनाइज करेंगे क्लब्स क्रिकेट को, और साथ में हम वहां भी जो हमारे वहां रेफर्ड क्लब्स हैं उनके साथ यहां मैचेस करवाएंगे। 25-30 बंदा यहां से जाएगा, मैनेजमेंट का भी जाएगा, तो हमने उनको फोकस करना है इवेंट वीजा पे यहां से कैरी करने के लिए, और हम डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे उसमें, एक स्टार्टिंग की बात है, उसके बाद फिर ओवर द पीरियड हर साल हम ये इवेंट को कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों को एक संदेश जो आप देना चाहें यूनिवर्सल वीजा
वीजा के डायरेक्टर होने के नाते कि किस तरीके से आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो? मैं एक बड़ा क्लियर मैसेज है और प्रिसाइज है, मैं सिंस द डे वन मैं लाइसेंस थ्रू प्रिस्क्राइब्ड हूँ, मैंने खुद इमिग्रेशन लॉ पढ़ा है तब उस इन ग्राउंड में, भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, डू कॉन्टैक्ट मी, 19 पास आउट हो 20 पास आउट हो 21 पास आउट हो डजेंट मैटर, सिंगल मैरिड डजेंट मैटर, वी हैव द वेज, वी नो हाउ टू प्रेजेंट द केस, आप जेन्युइन तरीके से हम उसको पेश करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो नॉन जेन्युइन बच्चे थे जिनकी वजह से ये सारा कुछ खराब हुआ, और आजकल रूमर्स भी आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हो जाएंगी, हरियाणा बोर्ड नहीं बनेगा, ऐसा कोई रूमर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी इंटरिम गाइडलाइंस है वो नहीं लेते ना सही, क्या वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ पे चल रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेवल वन भी हैं, लेवल टू भी हैं, हम 550 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एसोसिएटेड हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, आप जेन्युइन हो, आप प्रूव कर सकते हैं कि आप जेन्युइन हैं, या आपने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया, एडमिट कार्ड है आपके पास, एज लॉन्ग एज आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल्स फिट हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो हमारे पास वेज हैं हम आपको बताएंगे एक साल की आप फीस पे कर दो, सच एंड सच That can be discussed over the meeting in brief. तो उसके लिए क्या है कि आप हमें कॉन्टेक्ट करें, आपका भविष्य खराब ना हो इसके लिए यूनिवर्सल वीजा will do at their best. तो ये हमारे साथ असीम सैनी जी, जिन्होंने जानकारी दी उन तमाम बच्चों के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ जॉब करना चाहते हैं, तो आपको आना है यूनिवर्सल वीजा में जो मॉडल टाउन में स्थित है, आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार यहां पर जरूर आए और समझें कि आपके रास्ते ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसे खुले हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर। अब मैं आपको लेकर पहुंची हूं यूनिवर्सल वीजा की पीटी क्लास में, जहां पर आप इससे पहले भी काफी जो स्टूडेंट्स हैं बाहर भेजा जा चुका है यूनिवर्सल वीजा की तरफ से, लेकिन अब आइल्स एंड पीटी क्लासेस की भी आज से ग्रैंड ओपनिंग की गई है। जी हां, अगर आप आइल्स और पीटी करना चाहते हैं वो भी आप यहां से आकर कर सकते हैं। तकरीबन 10,000 बच्चों को, जी हाँ, यूनिवर्सल वीजा इससे पहले 10,000 बच्चों को भेज चुका है, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, कहीं की भी बात करूं, अलग अलग कंट्रीज में भेज चुका है। और अब आज से ओपनिंग हुई है आइल्स एंड पीटी क्लासेस की। वहीं काफी आप मेरे पीछे बैठे हुए कुछ लोग देख सकते होंगे, ये वो लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स जो है ऑलरेडी यूनिवर्सल वीजा के थ्रू उनकी हेल्प से बाहर जा चुकी है, तो उनसे बातचीत करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके जो फैमिली मेंबर्स बाहर गए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाय, क्या नाम है आपका? गुरमन। तो आपकी कौन बहन बाहर गई हुई? हाँ जी, सिस्टर गई है ऑस्ट्रेलिया। तो कैसा एक्सपीरियंस यहाँ से यूनिवर्सल वीजा से आपको मिला? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला हमको, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन करा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन से नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। कौन से कंट्री में गई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी। तो कितना टाइम हो चुका है ये? अभी फरवरी में गया, 24 फरवरी। मतलब इजीली यहाँ से, मतलब फाइल बहुत इजीली लग गई यहाँ से, तो बहुत इजीली इनकी बहन ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। तो अगर आप भी किसी भी कंट्री में जाने का मन रखते हैं तो आप भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी दो फैमिली मेंबर्स आई थिंक यहाँ से गए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो सर आपके कितने दो फैमिली मेंबर्स गए हैं? हाँ सर, नमस्कार, और कर्नाल ब्रेकिंग टीवी के सभी फॉलोअर्स जो सदस्य हैं उनको मेरा नमस्कार। हमारे दो मेंबर यहाँ से गए हैं जी यूनिवर्सल वीजे से, एक मेरा भांजा गया था और मेरे लड़के की मिसिज, मेरी पुत्र वधु यहाँ से गए थे, और बड़े अच्छे से गाइड कराया था सर ने। तो हम आगे जो भी बच्चे हैं जो पीटी किए हुए हैं हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के, हम उनको भी यहीं से हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहीं से हम असीम सर से गाइड कर रहे हैं उनको भी। मतलब काफी अच्छी गाइडेंस मिलती है कि इनके फैमिली मेंबर्स तो गए ही हैं, जो और बाकी और भी जो आसपास के लोग हैं ये सोच रहे हैं कि हम यूनिवर्सल वीजा ही उनको एडवाइस करेंगी। काफी अच्छे से यहाँ पर गाइडेंस मिलती है। दो लोग हमने आपको दिखाई कि उनकी फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी अब्रॉड पहुंच चुकी हैं अपनी आगे की स्टडी के लिए या जॉब के लिए। वहीं कुछ स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने अभी यहाँ से फाइल लगाई है, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चों को यहाँ से भेजा जा चुका है, एक जेन्युइन यहाँ पर चीजें रहती है, सभी ट्रांसपेरेंट चीजें रहती हैं। तो वहीं कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सो हाय, क्या कहेंगे, आपने कहाँ की फाइल लगाई है? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है, मैंने कनाडा की फाइल लगाई है इनसे। इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमारे खुद बनवाए हैं जो जो बनने थे, और बाकी बहुत ही कम टाइम में इन्होंने फाइल लॉन्च कर दिया, और उम्मीद है वीजा आ जाएगा थोड़े दिनों में। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ हमारा। तो बेसिकली
टाइम का एक मेंशन किया गया है कि बहुत ही कम टाइम में जो है फाइल लगवा दी गई है, बहुत ही इजीली डॉक्यूमेंट्स खुद रेडी करवाए, तो उस चीज की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर कोई भी बाहर जाना चाहता हो, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो आप लोग पहुंच सकते हैं यूनिवर्सल वीजा। और साथ ही साथ आज से स्टार्ट हो चुकी है आईएलटीएस एंड पीटी क्लासेस, तो उसके लिए भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जाने के लिए इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होती है और आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और उसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी रहती है कि हम किस जगह पर जाएं जहां पर हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, जहां से हम अच्छे से सीख कर हम अब्रॉड जा सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको लेकर पहुंची हूं यूनिवर्सल वीजा, जहां पर आज से फिर से स्टार्ट हो चुकी है आईएलटीएस एंड पीटी क्लासेस। तो अगर आप लोग आईएलटीएस एंड पीटी करना चाहते हैं तो यहां पर पहुंच सकते हैं। कहां पर, एक बार एड्रेस मैं आप लोगों को बता देती हूं कि आप लोगों को यूनिवर्सल वीजा एट मॉडल टाउन पहुंचना है और यहां पर आपके बाहर जाने के सपने को पूरा किया जाता है। तो फिलहाल हमारे साथ यहां पर यूनिवर्सल वीजा के मैनेजर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को। सो हेलो मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगी कि आज से आपने ओपनिंग की है आईएलटीएस एंड पीटी क्लासेस की, हमारे व्यूअर्स को क्या कुछ बताना चाहेंगी? देखिए, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि पहले हम यहाँ पे आईएलटीएस की कोचिंग है प्रोवाइड कर रहे थे, बट नाउ हम पीटी भी हम लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, और एज वेल एज हम सिर्फ आईएलटीएस और पीटी पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को बेस से उठाकर चल रहे हैं, लाइक उनकी जो भी ग्रामर है, स्पोकन स्किल्स हैं, तो वो भी एक कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकती हूँ। और हम बच्चों को जब बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उनका एक एग्जाम लेते हैं, तो उसको इवेल्युएट करते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसके बाद ही हम उनको सजेस्ट करते हैं दैट दे शुड गो फॉर आईएलटीएस और पीटी, एंड फिर पीटी कहाँ कहाँ पे एक्सेप्टेबल है, आईएलटीएस कहाँ कहाँ पर एक्सेप्टेबल है, ये भी हम उनको बताते हैं। तो लोकेशन तो मैम आपने भी बता दिया, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, यूनिवर्सल वीजा करनाल में है, और आप प्लीज आइए, विजिट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी सर्विसेज भी लीजिए। जी हाँ, एक बार विजिट जरूर कीजिए। और वही जो मैम ने एक बात बोली कि सबसे पहले बेस क्लियर किया जाता है, काफी जगह पर स्टूडेंट्स जाते तो हैं लेकिन बेस क्लियर नहीं हो पाता है, उन्हें हाई लेवल से सिखाना शुरू कर दिया जाता है लेकिन जो उन्हें समझ भी नहीं आ पाती है, लेकिन आपके साथ यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका बेस क्लियर किया जाएगा। आपको आईएलटीएस करनी है, आपको पीटी करनी है, आपको चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, यूके, कैनेडा, किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में आप लोग यहां से जा सकते हैं, और उसके लिए आपको यहां पर विजिट करना होगा। एड्रेस आप लोगों को बता देती हूं, यूनिवर्सल वीजा जो कि मॉडल टाउन में मौजूद है, यहां पर आएं और आपकी कोई भी डाउट हो यहां पर आकर आप सभी क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।